उठ बांध कमर कैसा है डर, हर ख्वाब तेरा तू पूरा कर क्यों है कैद हंसी पिंजरे में। मुस्लिम लीग नून के सरबरा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तीसरी बार मुल्क के वजीर आजम के ओहदे का हल्फ उठा लिया। अपने पहले खिताब में नवाज शरीफ ने कौम से वादा किया है कि वो अपने मुल्क और अवाम की किस्मत बदल देंगे। अपोजिशन ने मुस्लिम लीग की जीत को धांधली करार दिया है और सड़कों पर एहतजाज की कॉल दे दी है। तमाम अपोजिशन जमातें पीर से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगी। मौलाना फजल रहमान ने इलेक्शन कमीशन के सामने धरने का ऐलान कर दिया है। अपने पहले ये मुल्क चरंगी पे घूम रहा है, कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान दुनिया की बेहतरीन ममालिक में शामिल है। अमरूद कैसे दिए? 200 रुपए किलो। सोच ये दुनिया का आखिरी अमरूद हो और उसके बाद अमरूद आना बंद हो जाए। अब 2 लाख रुपए किलो। क्या बात कर रहे हो? देखी है मैंने भी फिल्म सस्ते अजय देवगन। अब आप 1 किलो तोल दे 180 के हिसाब से। सब लाल हूं, ठीक है। आ रही हूं। सलाम अलैकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कौन? नहीं पहचाना? पहचानेंगी भी कैसे? अरे बड़ा हो गया हूँ ना मैं। अरे, 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 अरे। मन्नू, रजिया के बचपन का दोस्त। वो बड़ी हो गई थी तो आपने मिलने से मना कर दिया था। देखे, अब तो मैं भी बड़ा हो गया हूँ तो मैंने कहा पूछ लूँ आपसे, अब तो मिल सकता हूँ ना। कहाँ है वो? हाँ हाँ बेटा, खड़ी क्यों, बैठो, मैं अभी बुला के लाती हूँ, बैठो। आंटी अमरूद आपके लिए, पक्की गारंटी है अंदर से सब लाल होंगे। सब लाल होंगे जी। बैठो बैठो। क्या यहां से? आंटी आप क्या हो गया, गुस्सा क्यों कर रही हैं? एक आध अमरूद नहीं निकला होगा लाल? अमरूद के बच्चे हैं? अगर मुझे गली में भी नजर आए, मोहल्ले में भी नजर आए तो मार मार के लाल कर दूंगी। निकलो सब यहाँ से। खबरदार रजिया से मिलने की कोशिश की, चलो चलो चुप करो। दोस्त थे हम, पढ़ाया दोस्त थे। दस बज गए लड़की, सारा दिन सोना है क्या? रजिया उठो, चलो शाबाश। सोने में अम्मा सुबह फजर तक पढ़ती रही हूँ। किसने कहा है जिंदगी अजाब कर, हाँ वक्त पर सो जाती। ऐसे सो जाती अम्मा, कल पेपर है मेरा, तैयारी करनी थी उसकी। फल्ला क्या करोगी इतना पढ़ के, तैयारी करनी है तो घर के काम काज की करो, आखिर वही काम आने।
मन्नू आया था, उससे तो मैं अच्छी तरीके से समझा चुकी हूँ, तुम भी कान खोल कर सुन लो। लड़का और लड़की दोस्त नहीं होते हैं। तुम्हारे अब्बा को पता चल जाएगा ना तो तुम्हें टंग तोड़ के रख देंगे। जल्दी से उठो, अब मुँह हाथ धो, नाश्ता तैयार कर रही हूँ तुम्हारा। पास क्या करने गया था तू? तो उनको कुछ बताना था। क्या? यही कि अब मैं भी बड़ा हो गया हूँ। तो आप तेरे और अपने पीछे। मन्नू, बड़ा हो गया मन्नू, कितनी अच्छी बात है। तो ये बचपना छोड़ दे, किसी ने देख लिया मुसीबत हो जाएगी। कोई नहीं देखता, और इतने से थे तब से हम दोस्त हैं, और देख भी ले तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात सुन, इतने से अब हम रहे नहीं ना, बड़े हो गए, मुझे फर्क पड़ता है मन्नू। सवाल मुझसे होंगे, मैं लड़की हूँ मन्नू, लड़की। देख मन्नू, मेरी बात सुन, अगर वाकई अच्छा दोस्त है ना, आज के बाद यहाँ मत आना। भाई पास हो गया क्या मेरा शेर? शाबाश शाबाश शाबाश, ये ले भाई, ये इनाम है तेरा। आ जा, तेरा गंदे दबा यार। मैथ्स और इंग्लिश में 33-33 नंबर है इसके, आप इसे शाबाश दे रहे हैं। अल्लाह बस कर दो, क्या हो गया है इतनी जलन भाई से? हाँ जलन, और मुझे टॉप किया मैंने 9th में, इसके साथ धक्के से पास नहीं हुई हूँ। क्या करें टॉप का तेरे, हाँ तू पढ़ाई है तो उन्हें चले जाना, हाँ उल्टा खर्चा ही हो गया हमारा। मुस्तकबिल तो ये हमारा, इसने संभालना है हमें। बड़ा होके बाजू बनेगा मेरा। क्यों, मैं क्यों नहीं बन सकती आपका बाजू? मेहनत करूँगी, डॉक्टर बन के आपका हाथ बटाऊँगी। फिलहाल अच्छी बहन और बेटी बनकर हमारे लिए खाना लगा दो, बहुत भूख लग रही है ना। हाँ वाकई देर हो गई है रजिया, चलो आ जाओ खाना लगाते हैं। रजिया रजिया जी आई। रजिया रजिया मिस आप, अरे बेटा कमाल कर दिए तुम, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हारे। कौन है रजिया? मैं हूँ सितारा, मिस सितारा अजीम, इनकी क्लास टीचर। अरे मैं भी क्या बेखुफी करी, दिए की छाड़ लाई। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बड़े बड़े महंगे स्कूलों के बच्चे ना
इतना कमाल नहीं करती जितना आपकी बेटी करी है। हाँ। क्या कमाल कर दिया इसने? आपको मालूम ही नहीं, आज मैट्रिक का रिजल्ट आया ना, यू नो है सो पूरे सूबे में फर्स्ट पोजीशन हासिल करे हैं। वाकई? हाँ। स्कूल की तरफ से ट्रॉफी है और 10,000 भी भेजा ना स्कूल। हम लोग ना एक बड़ा फंक्शन करने वाले हैं, आप जरूर आना इसमें। ये लो बच्चे, जैसा अपने वालिदैन का नाम रोशन करे ना रजिया, ऐसा हमारे स्कूल का भी करना। हाँ थैंक यू, बहुत मुबारक। आप बैठे हैं, मैं चाय लेकर आती हूँ। बैठे जल्दी से लेके आओ बेटा। जीतने से बार बार उनकी जीत में उनकी हार ढूंढते हैं। आपने साइकिल छीनी, उसने किताबें थाम ली। आपने घर में बंद किया, उसने किताबें खोल ली। हर मुमकिन कोशिश की उसे हराने की, लेकिन वो जीत गई। बहुत खुश थी रजिया, उसे लगा अब सब बदल जाएगा। बेचारी रजिया। हो गई पढ़ाई जितनी होनी थी। घर में बैठो अब और अम्मा का हाथ बटाओ। अब्बा हाथ तो मैं अभी भी बटाती हूँ ना, साथ साथ पढ़ लूंगी तो क्या हो जाएगा? वही तो कह रहा हूँ मैं, पढ़ लेगी तो क्या हो जाएगा। देख बात सुन मेरी, मुझे अली का एडमिशन जो है ना वो अच्छे वाले स्कूल में कराना है, तो खर्चा बहुत होगा, तो दो दो की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता मैं। अब्बा पोजीशन मैंने लिया, मेहनत मैं करती हूँ, आपका नाम रोशन मैं कर रही हूँ, और आपको फिक्र है तो उस निकम्मे बेटे की। रजिया क्या कह रही है? क्यों बदतमीजी कर रही हूँ? बदतमीजी कहाँ कर रही हूँ अम्मा, सच बोल रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ आपको एहसास दिलाने की कि मैं भी आपकी औलाद हूँ। हाँ तो कब नहीं समझा औलाद तुझे? खाना कपड़ा मकान तालीम कौन सा हक मार लिया तेरा? हाँ ज्यादा नहीं अब्बा, बस थोड़ा सा इज्जत नफ्स का, मेरे कपड़ों को मेरे खाने को फर्ज नहीं, बोझ जानकर अदा करने का। बकवास कर रही है? जवान बेटी है, क्या कर रहे हैं आप? ये तालीम की खुराफात हैं, देख ले, बाप के सर पे जूतियां मार रही है और पढ़ा रही है ना इसको, तो ये गरबान से पकड़ेगी बाप को। अपनी जुबान में समझा दे इसको, बंदोबस्त कर दूंगा वरना इसका। क्या जरूरत थी तुम्हें बहस करने की अब्बा से? हाँ पता नहीं उनके गुस्से का, कर लो आप। पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, पढ़ो जाके। सब कर दिया सबका। मैं सहारा देना, सहारा अम्मा। बटन ऑन करना। अम्मा अपने हिस्से की जो रोशनी होती है ना खुद ही करनी पड़ती है। उठ बांध कमर कैसा है डर हर ख्वाब तेरा तू पूरा कर क्यों है कैद हंसी पिंजरे में।